हाय, 23 जुलाई को यूनियन बजट प्रेजेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स बताएंगे जिस पर यूनियन बजट का फोकस रह सकता है। कोटक सिक्योरिटीज की रिसर्च टीम के अकॉर्डिंग इस बार का यूनियन बजट एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ प्रेजेंट किए जाने की उम्मीद है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट हायर कैपेक्स टारगेट सेट कर सकती है, वहीं रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा एलोकेशन भी मिल सकते हैं। ओवरऑल कैपेक्स ग्रोथ FY24 की कंपैरिजन में 25% बजटेड होने की उम्मीद है, जो इंटरिम बजट के 17% से ज्यादा है। हमारे रिसर्च टीम के अकॉर्डिंग इस बार गवर्नमेंट का फोकस कैपेक्स एंड कंजम्पशन को ज्यादा सपोर्ट देने पर रह सकता है। इसके दो रीजंस है। पहला, आरबीआई की हायर देन बजटेड सरप्लस ट्रांसफर जो GDP का एडिशनल 0.4% है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग टैक्स कलेक्शन इन 2 months ऑफ फिस्कल ईयर 2025। हमें ये लगता है कि लिमिटेड टाइम फ्रेम की वजह से डाइवेस्टमेंट के एस्टिमेट्स बढ़ाने की उम्मीद कम है, लेकिन PSU सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग मार्केट कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट कुछ PSUs के स्टेक सेल करने का फैसला प्रायोरिटाइज कर सकती है, स्पेशली लो फ्री फ्लोट कंपनीज में। इनके अलावा हायर टैक्स रिसीट्स, PM किसान स्कीम के अंदर किसानों को ज्यादा एलोकेशन, रूरल डेवलपमेंट जैसे घर बनाना, रोड कंस्ट्रक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एडिशनल 20,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए जा सकते हैं, रोड रेलवे एंड स्टेट लोन्स के लिए एडिशनल 77,700 करोड़ का कैपेक्स दिया जा सकता है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से हमें लगता है कि देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP 5% पर रह सकती है। हो सकता है कि गवर्नमेंट न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 50% टैक्स रेट को एक्सटेंड भी कर दे। साथ ही लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिस्कल ईयर 2025 की बजट एस्टिमेट में इनकम टैक्स ग्रोथ रेट 16% रह सकती है, जो इंटरिम बजट के 11% ग्रोथ से ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना बेहद जरूरी है, अगर इनकम टैक्स का बोझ कम नहीं किया जाएगा या फिर एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर्स पर एडिशनल स्पेंड्स नहीं किए गए तो फिर GDP 5% से कम भी रह सकती है। इन सब के बीच मार्केट का रुख कैसा रह सकता है ये जानते हैं। निफ्टी अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड ₹989 इन FY24, ₹1093 इन FY25E एंड ₹1249 इन FY26E, विद निफ्टी ट्रेडिंग एट 24.8x in FY24E, 22.4x in FY25E and 19.6x in FY26E. तो ये है कोटक सिक्योरिटीज की रिसर्च टीम की तरफ से अपकमिंग यूनियन बजट का ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना ना भूलें और इसे लाइक भी जरूर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज YouTube channel and follow us on all our social media platforms. Thank you for stopping by. I will post in the chat. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.